भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांड का क्षेत्र जहां जलयान बनाने का कारखाना है, एक प्राकृतिक और सुरक्षित समुद्री बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी सरकार तट पर गोदावरी नदी के मुहाने पर एक छोटी सी पहाड़ी पर बसा शहर विशाखापट्टनम, जो मत्स्य शिकार का सबसे बड़ा केंद्र है। ये शहर मैग्नीज और तिलहन का निर्यात भी करता है और प्रसिद्ध है प्राचीन बौद्ध विरासत, भूवैज्ञानिक चमत्कार और मंदिरों के उदार मिश्रण में संस्कृति, कला और शिल्प के लिए। पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अग्रणी कंपनी में प्रसिद्ध हुआ एक शख्स की वजह से, जिसने अपना नाम कमाया और बना सेफ शॉप का डायमंड लीडर। मिस्टर J.N.S. रामजी। कोटौरताला, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। यहां एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते श्री आदि नारायण मूर्ति, जो अपनी पत्नी स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मी और दो बच्चों के साथ रहते। इन्हीं के आंगन में 3 दिसंबर 1993 को जन्म हुआ इनके पुत्र का, नाम J.N.S. रामजी। हर पिता की तरह आदि नारायण की ख्वाहिश थी कि बेटा अच्छा पढ़े और इंजीनियर बने, तो रामजी की शिक्षा की व्यवस्था मंगल प्रजापति पाठशाला में करवाई गई। यहां से 5वीं तक की शिक्षा पूर्ण की। और गवर्नमेंट हाई स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंजीनियर बनने के सपने देखने लगे। पर घर के हालात रामजी समझते थे, तो पिता के साथ चाय की दुकान पर काम करते और इंजीनियर बनने के लिए सीआर रेड्डी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। यहां से डिप्लोमा लिया और इसे पास करने के बाद पिता का सपना साकार करने के लिए श्री प्रकाश इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक करने आ गए। अपनी पढ़ाई और पिता को सहारा देने के लिए रामजी पढ़ाई के साथ हाउस वायरिंग भी करते, कराटे सीख कई कंपटीशन में पार्ट लिया और इनाम जीते। पढ़ाई और काम के साथ ही रामजी की मुलाकात रवि वारा प्रसाद सर से हुई। उन्होंने सेफ शॉप के बारे में बताया तो उन्हें यहां अपना भविष्य दिखा, उसे ज्वाइन कर लिया। पढ़ाई के साथ अब सेफ शॉप भी करने लगे। 15 दिन के अंदर ही 274 लोगों को प्लान दिखाया और 30 दिन के फॉलोअप के बाद एक भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं हुआ। तब लगा कि सेफ शॉप करना कठिन है। रातों को जिसकी खातिर चले, कटता नहीं है ये रास्ता, लो होते नहीं कम ये फासले, पर कम होंगे बढ़ते रहेंगे ये हौसले, ये हौसले, ये हौसले, ये हौसले।
ये हौसले। तो रवि सर ने हौसलों को मजबूत किया, कहा कि नौकरी से सिर्फ 20,000 रुपए प्रति माह ही कमाया जा सकता है या ज्यादा से ज्यादा 40,000। तो ये बात रामजी के दिमाग में बैठ गई और अपने आप को तैयार करना शुरू किया, ट्रेनिंग और फंक्शन लेना रोज का काम था। जो सवाल फील्ड में परेशान करते उनका समाधान मिलता रवि सर के मार्गदर्शन में। तो रामजी की टीम बनना शुरू हुई और अब रुख पकड़ा दूसरे शहर का। जगह थी 150 किलोमीटर दूर और वहां की यात्रा। रवि सर साथ थे, बहुत कुछ सीखना था। रामजी प्लान दिखाते, रवि सर फॉलोअप कर टीम में काम करते। टीम ने रफ्तार पकड़ी, अब चेक आने शुरू हुए और हाथ आया टच स्क्रीन का पहला मोबाइल। ये रामजी की लाइफ का पहला अचीवमेंट था। लैपटॉप, गाड़ी और एप्पल का मोबाइल, इसके साथ कई विदेश यात्राएं आज रामजी कर चुके हैं। इन्हीं के साथ आज एक अचीवमेंट और प्राप्त किया, बने सेफ शॉप के डायमंड लीडर मिस्टर जेएनएस रामजी। मचल के आंख मिलाते हैं, जहां जाने से मृत्यु का वेदाल ढोक